निंदौरी से राशन के बदले पैसे बांटने का मामला सामने आया है। हितग्राहियों का आरोप है कि सेल्समैन राशन की जगह पैसे दे रहा है। खाद्य अधिकारी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। मामला डिंडोरी के कलगी टोला का है, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में हितग्राहियों को पिछले कई महीनों से राशन नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत पहले ही हो चुकी है। शिकायत होने के बाद आनन फानन में सेल्समैन अजय सिंह ध्रुवे ने हितग्राहियों को पैसे बांटना शुरू कर दिया। मामला सामने आने के बाद खाद्य अधिकारी जयंत असाठी का कहना है कि ये नियमों की अनदेखी है, मामले की जांच कराई जाएगी। ये हमें बोल रहा है कि पैसा देने के लिए, पैसा हम बोल रहे हैं कि दाना दो। मेरे तो मतलब पांचों महीने से मिल गया है, मतलब छठो महीना मिला है, किसी को नहीं मिला। हमें चावल चाहिए, जब गाड़ी गाड़ी दूध गाड़ी चावल आवा थी तो कहाँ गए साहब, क्या एक दे। इस मामले में सेल्समैन अजय सिंह ध्रुवे का कहना है कि कुछ हितग्राही राशन तो लेकर चले गए पर उनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पाया। जुलाई तक तो दिया हम सर, कई लोगों को बच गया है, जुलाई में हुआ है वितरण, अभी अगस्त में जो है हड़ताल रहने के कारण वितरण नहीं हो पाया था, मशीन भी बंद है पीएस, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है खाद्यान्न चालू। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।